ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी जी मैं। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मियां नवाशिफ साहब से मिले थे कुछ दिन पहले, आप गए थे? जी जी। अच्छा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मियां साहब चूंकि जेल में है और वजारत दाखिला का जो पोर्टफोलियो है वो इमरान खान साहब के पास है, और इमरान खान साहब पैनामा पेपर्स में आपको पता है पार्टी बने थे, और जिसके बाद नॉकआउट होते होते मियां साहब जेल चले गए, तो इस सिनेरियो में वजारत दाखिला का पोर्टफोलियो इमरान खान साहब के पास है, तो इसमें इस बात पर मियां नवाशिफ साहब से आपकी कोई बात हुई, कोई डिस्कशन हुआ इस बात पे, उन्हें कोई उनकी तरफ से कोई रद्द अमल, कोई रिएक्शन, और ओवरऑल उनके वजीर आजम बनने पर उनकी तरफ से कोई खैर सगाली का पैगाम, कोई मुबारकबाद का पैगाम, क्योंकि इमरान खान साहब तो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, मियां साहब के भी हैं, सारी आवाम के भी हैं, तो इस हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए दो तीन सवाल आपने पूछे हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि वजारत दाखिला सिर्फ इमरान खान साहब के पास नहीं है, उनके पास नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री है, उनके पास तकरीबन 18 या 19 मिनिस्ट्रीज हैं। आपको याद होगा कितनी लेदे होती थी जब वजीर खारजा हमारी हुकूमत ने नहीं लगाए थे, तो आप सोचिए कहाँ पे एक वजारत पे इतनी लेदे होती थी और कहाँ पे 18-19 वजारतें जो है वो खान साहब ने अपने पास रखी हुई है। तो आप जरा सोचिए कि किस कदर पावर कंसोलिडेशन उन्होंने की है, और आप ये भी सोचिए कि क्या वजीर आजम का मंसब इतना अहम नहीं कि उसे पूरी तवज्जा दी जाए, वो वजीर आजम के मंसब के अलावा 18 दीगर वजारतें भी चलाएंगे, सवाल ये पैदा होता है कि कैसे चलाएंगे, बिलखसूस जब वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अपना कम कर दूंगा और मेरे पास तो 2-4-5 लोग होंगे जिनके जरिए मैं हुकूमत चलाऊंगा, तो कैसे चलाएंगे ये तमाम मामलात को कैसे वो तय करेंगे? अगर दिन में वो 8 घंटे भी काम करें और उनके पास 18 मिनिस्ट्रियां हों तो क्या 15-20 मिनट हर मिनिस्ट्री को देंगे? तो ये तमाम वो सवालात हैं जो बड़े अहम सवालात हैं जो आपने वजारत दाखिला के हवाले से उठाए हैं, मगर तमाम दीगर मिनिस्ट्रीज भी अगर आप चाहें तो इस वक्त अपनी स्क्रीन पे चला सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी 18-19 अहम मिनिस्ट्रीज जो हैं वो उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं। चलिए इस बात को छोड़ देते हैं। अब पैनामा के हवाले से अगर वो वाकई बड़े इफेक्टिव वजीरे दाखिला हैं तो आप कुछ सोचिए, पिछले हफ्ते उन्होंने फूल फेंकने पे, यानी एक पार्टी के कायद आ रहे हैं, इन्होंने तो हमला कर दिया, कब्जे कर लिए, दीवारें तोड़ दी, पार्लियामेंट बंद कर दी, सेक्रेटेरिएट 4 दिन बंद रहा, मगर फूल फेंकने पे आपने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, तो ये किस तरह की वजारत है? ठीक है सर, नहीं हमने नहीं किया था सर, हमने नहीं किया था, वो दूसरे अबूरी सेटअप था, अबूरी सेटअप था, हमने नहीं किया। अगर आप इजाजत दें तो मैं बात मुकम्मल नहीं सर, वो अबूरी नहीं, करेक्शन कर ले, हमने नहीं किया था, अबूरी सेटअप था। ठीक ठीक जी मलिक साहब, जी मलिक साहब, जी मलिक साहब, जी ठीक है। देखिए आपकी नहीं, पिछले हफ्ते तो आपकी हुकूमत बन नहीं सर, नहीं सर, नहीं उससे पहले का, नहीं उससे पहले का बात, अच्छा चलिए उससे पहले का बात, ये तो तहकीक की जा सकती है, कोई मसला नहीं, मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। आने वाले वक्त में फिर उम्मीद की जाती है कि ऐसा नहीं होगा, तो फूल फेंकने पे आप लोगों को अरेस्ट करेंगे। मुझे काबिल यकीन है कि इमरान खान साहब के वोट उठाने के बाद ये फूल वाला वाक्य हुआ है, लेकिन आप जरा तहकीक कर लीजिए। मियां साहब की जानिब से मलिक साहब, देखिए मैं आ रहा हूँ, वहीं जा जी जी जी। इसी बात यह है कि आपने पैनामा का जिक्र किया, पैनामा में तो सैकड़ों लोग थे, कुछ जज भी थे। आप बताइए कि खान साहब आप आ गए हैं, चलिए आपका तो कोई बात नहीं, 10 दिन ले लें, 15 दिन ले लें, मगर किसी वक्त तो अगर उनके मद्देनजर इंतकाम नहीं और इंसाफ है तो तमाम पैनामा के लोग जो हैं उनको वो सामने लाएंगे, उनकी अपनी कहनों के भी नाम है ऑफशोर कंपनियों के हवाले से, उसको भी वो जरूर सामने इंशाल्लाह लेकर आएंगे, मुझे कभी उम्मीद है। तो अगर वो वजारत दाखिला अपने पास रखें तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे, चाहे वो उनकी अपनी बहनें हों, चाहे वो उनके करीबी दोस्त रुफका हों जो वजीर हैं जिन पे मुकदमात हैं, चाहे पैनामा के दीगर लोग हों, सबका फैसला होगा। ठीक, आखिरी बात जो आपने पूछी, नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी बैठ के जब बिलावल साहब ने भी उनको मुबारकबाद दी तो सिलेक्शन पर मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट, आपको मुबारक हो। ठीक है, ठीक मलिक साहब, टाइम हमारे पास खत्म हो गया। मुसद्दिक मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, सीमा साहब बहुत शुक्रिया, एक मिनट में लूंगा, टाइम खत्म हो गया जी, टाइम सच्ची मुझे भूख गया जी।